पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शीत लहर का प्रकोप अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए सर्व समाज आप सबकी रसोई के द्वारा समय समय पर निरंतर गर्म कपड़ों का वितरण और लिहाफ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें इस वर्ष में ही ये आज पांचवा कार्यक्रम डबल फाटक स्थित शिव शक्ति मंदिर में संपन्न किया गया। संस्था के द्वारा एक किट तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत एक जैकेट, मोजे, कैप, डबल बेड का कंबल और लिहाफ वितरित किया जा रहा है। इस दौरान अध्यक्ष ऋतु विश्नोई, कोषाध्यक्ष कमल गोला, महासचिव रवि यदुवंशी मुख्य रूप से ये कार्य विगत कई वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। इस वर्ष सर्व समाज आप सबकी रसोई ट्रस्ट के अंतर्गत ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज 150 से ज्यादा लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण कर लाभ दिया गया। कार्यक्रम आयोजित करने वालों के अलावा रसोई परिवार घूम घूम कर भी लोगों की मदद कर रहा है। इस कार्यक्रम में अमित यादव, कपिल, मीना, प्रशांत सैनी, रजनी गोला, शोभा चौहान, बरखा, सुनीता पांडे, उषा गुप्ता, दिव्या अग्रवाल, राहुल सैनी, अंशु आदि के साथ और भी अन्य उपस्थित सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। गर्म कपड़ों का वितरण जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के वर्गों के अभावग्रस्त भाई बहन, ये वो खुददार हैं जो भीख नहीं मांगते, उनके द्वारा हम लोग अपने द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज के उस वर्ग को मदद पहुंचाई जाए जो वाकई में अपनी छोटी से छोटी जीविका चला रहा है रोजगार करके। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि कृपया आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़कर कम से कम हर समाज के व्यक्ति को अगर एक एक करके एक एक व्यक्ति की मदद करेंगे तो सच में दुख है, विपदा है, वो सब टल जाएंगी। हमारे इतने देश की आबादी है, एक एक व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति अगर एक एक इंसान की व्यक्ति की मदद करेगा तो सच में हमारा देश जो है बहुत प्रगतिशील होगा। समय समय पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कंबल या ये जो भी हम लोगों ने किट बनाई है, एक कंबल, जैकेट, मोजे, कैप और स्वेटर जो हमने ये किट बनाई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही जगह वितरित कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा अब तक का जब से ठंड शुरू हुई है ये पांचवा कार्यक्रम है और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न वर्गों के लोगों तक हमारा जो है ये सेवा पहुंचाना हमारा सबसे परम उद्देश्य है। हम लोग गाड़ियों में भरकर अपना सामान जाते हैं और देखते हैं, अगर वाकई में किसी को जरूरत है तो हम लोग उसकी सेवा ये करते हैं। सर्व समाज आप सबकी रसोई ट्रस्ट के द्वारा किया गया था और इसमें 150 किटों का वितरण किया गया, जिसमें एक कंबल और जैकेट, मोजे, कैप और एक रजाई का वितरण किया गया है। और अभावग्रस्त जो बहुत इस एरिया में थे लोग, जिन लोगों को चूज किया गया, पर्ची बांटी गई और पर्ची बांटने के बाद में कुछ लोग बिना पर्ची के भी आए, लेकिन उनकी वास्तविकता देखते हुए उनको भी खाली हाथ नहीं भेजा गया और उनको भी कुछ ना कुछ दिया गया। आज जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाँ, आज कोशिश है और मेरा तो मानना यह है कि जितने दिए जलेंगे उतना उजाला होगा। सब लोग अगर इस समाज में बढ़ के अगर इस चीज को करें तो शायद कोई जो झोंपड़ी झुग्गी में रह रहा है, जो बिना कपड़े के सो जाता है, ठंड में ठिठोता रहता है, उस सारी चीजों से बचेगा। सभी को नमस्कार, मैं रवि यदुवंशी, सर्व समाज आप सबकी रसोई से महासचिव। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अपने समाज हित के लिए सेवा करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आज उसी क्रम में हमने तृतीय चरण रखा है, गर्म कपड़ों का वितरण, जो हम पहले भी दो चरण अपने कर चुके हैं, जिसमें हमने लिहाफ, कंबल और फुल जैकेट, डबल साइड की मोजे और कैप और लिहाफ, साथ में लिहाफ, इस लोगों को हम उन्हीं लोगों को देने जाते हैं जो जरूरतमंद हो। तो आज ये शिव मंदिर है डबल फाटक के पास, हम लोगों ने एक धर्मशाला जो मंदिर है वहाँ पर ये 150 लिहाफ वितरण और कंबल और कैप और मोजे का वितरण किया है। किस तरह से सिलेक्शन किया इन लोगों का? हम लोगों ने सिलेक्शन जो कि हमारा पूरा रसोई की टीम ने घर घर जाकर जो जरूरतमंद थे और जिनकी कहते हैं एक नीड होती है कि 4 से 5 हजार रुपए इनकम वाले जो लोग थे, हमने उनको ही चुना गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।